आखिर इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? इस यूनिवर्स की अद्वितीय इंजीनियरिंग के पीछे किसका हाथ है? क्या इस जगत का कोई निर्माता है या ये ब्रह्मांड रेंडमली कुछ नहीं से सब कुछ बना? ये सवाल आज भी रहस्य है, क्योंकि जो जो इंसान की समझ बढ़ती जा रही है वो कुदरत की इस अद्वितीय बनावट के पीछे के रहस्य को खंगालता जा रहा है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार 13.8 अरब साल पहले हमारा यह ब्रह्मांड एक छोटे से एटम जितने बिंदु में कैद था। अचानक हुए एक महाविस्फोट के बाद यह जगत अस्तित्वमान हुआ। बिग बैंग के बाद पूरे यूनिवर्स में केवल ऊर्जा थी। समय के साथ अचानक यह ऊर्जा पदार्थ में बदलने लगी। इसी के चलते स्टार, प्लेनेट, नेबुला, गैलेक्सी आदि का निर्माण होने लगा। ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक बिग बैंग के बाद की शुद्ध ऊर्जा कैसे अपने आप को पदार्थ के रूप में यानी मैटर के रूप में बदलने लगी? इसके पीछे का कारण क्या था? यहीं पर जन्म होता है हिग्स बोसोन और हिग्स फील्ड का। हमारे इस खूबसूरत ब्रह्मांड के पीछे हिग्स फील्ड की इंजीनियरिंग ही काम कर रही है। हिग्स फील्ड के कारण ही बिग बैंग के बाद जन्मी शुद्ध ऊर्जा पदार्थ बन पाई। आज हमारे अस्तित्व के पीछे की वजह हिग्स फील्ड ही है। बिग बैंग के बाद जब ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा होने लगा, उस दौरान अचानक हिग्स फील्ड अस्तित्व में आई। मानो कुदरत ने किसी बड़े मैकेनिज्म के एक लीवर को खींच दिया, जिसके चलते हिग्स फील्ड हमारे यूनिवर्स में काम करने लगे। हिग्स फील्ड आने के बाद भार रही यानी मासलेस यानी प्रकाश की गति से चलने वाले कुछ कण इस फील्ड से इंटरेक्ट करने लगे। इस इंटरेक्शन के कारण उनमें भार आने लगा। वहीं फोटोन जैसे कुछ कण अभी भी हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, वे अभी भी ऊर्जा के बंडल ही थे। हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्शन से बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड में पदार्थ बनने लगे। बाद में आगे चलकर इन्हीं पदार्थों से ग्रहों, तारों, निहारिकाएं आदि का निर्माण हुआ। अगर उस समय हिग्स फील्ड अस्तित्व में न आई होती तो इस जगत में किसी कण में भार नहीं होता। भार न होने के कारण वे सभी लाइट की स्पीड पर गति कर रहे होते। ऐसे में न पदार्थ का निर्माण होता और न ही तारे या आकाश गंगाएं होती। ऐसा कहें कि आज हमारे होने के पीछे हिग्स फील्ड का सबसे बड़ा हाथ है। जिनेवा के सन में वैज्ञानिक गॉड पार्टिकल की खोज में ठीक उन्हीं परिस्थितियों को पैदा कर रहे जिस समय ब्रह्मांड बिग बैंग के बाद ठंडा हुआ था और ऊर्जा के कुछ पार्टिकल्स में हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करने के बाद भार आ रहा था। इस कुत्थी को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक खास मशीन बनाई जिसका नाम था द लॉर्ड हेड्रॉन कोलाइडर। वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर प्रोटॉन जैसे चार्ज पार्टिकल्स को भारी ऊर्जा के साथ टकराए जाए तो इनसे टकराने से हिग्स फील्ड में हलचल पैदा होगी। इस हलचल में जन्म होगा हिग्स बोसोन यानी गॉड पार्टिकल्स। साल 2012 में जिनेवा में सर्न में 27 किलोमीटर लंबी मशीन द लॉर्ड हेड्रॉन कोलाइडर में प्रोटॉन के पार्टिकल्स को प्रकाश की 99.99% गति के साथ टकराया गया। इस टक्कर में जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा निकली। इसी दौरान वैज्ञानिकों को पहली बार हिग्स बोसोन के बारे में पता चला। इस एक्सपेरिमेंट ने गॉड पार्टिकल के सिद्धांत को प्रमाणित कर दिया। गॉड पार्टिकल के सिद्धांत को साल 1964 में पीटर हिग्स ने दिया था। इस थ्योरी के सच साबित होने के बाद साल 2013 में पीटर हिग्स को भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारे इस ब्रह्मांड में चार फंडामेंटल फोर्स है। इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर और ग्रेविटी शामिल है। इन सभी फोर्सेज के करियर होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फोटोन, वीक न्यूक्लियर का W और जेड बोसोन्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर का ग्लूऑन, ग्रेविटी का ग्रेविटॉन। ठीक उसी तरह हिग्स फील्ड का करियर हिग्स बोसोन होता है। विज्ञान के क्षेत्र में हुई इस क्रांतिकारी खोज का एक बड़ा नाता भारत से जुड़ा है। हिग्स बोसोन यानी गॉड पार्टिकल का नाम दो बड़े वैज्ञानिकों के नाम से मिलकर बना। इसमें पहला नाम पीटर हिग्स का शामिल है, वहीं दूसरा नाम भारत के महान सत्येंद्रनाथ बोस का है। सत्येंद्रनाथ बोस बचपन से ही काफी होनहार छात्र थे। उन्होंने अपनी युवावस्था के दौरान गर्म गैसों के बर्ताव के उपलब्ध आंकड़ों में कई तरह की त्रुटियां पाई और इसको लेकर बोस ने कई नए तर्क दिए। हालांकि शुरुआत में वैज्ञानिक समूह ने उनके इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। वहीं सत्येंद्रनाथ बोस ने जब अपने शोध को अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास भेजा तो उन्होंने इसे जर्मन में अनुवाद करके इस पर अपनी स्वीकृति दे दी। आइंस्टाइन द्वारा मुहर लगने के बाद इस शोध को दुनिया भर में बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के नाम से जाना जाने लगा। वहीं शोध में जिन कणों का उल्लेख था उसे बोसोन का नाम दिया गया। हिग्स फील्ड में वैज्ञानिकों ने जिस हिग्स बोसोन की खोज की है वह भी बोसोन श्रृंखला का ही कण है। हिग्स बोसोन का नाम गॉड पार्टिकल पढ़ने के पीछे एक बेहद ही दिलचस्प कहानी छिपी है। बात 90s के दशक की शुरुआत की है। फिजिस्ट लियोन लेंडरमैन ने हिग्स बोसोन और हिग्स फील्ड से जुड़े विषय पर अपनी एक किताब लिखने वाले थे। लियोन अपनी इस किताब का नाम द गॉड डेम्ड पार्टिकल रखना चाहते थे। हालांकि उनके पब्लिशर को पुस्तक का यह अजीबोगरीब नाम पसंद नहीं आ रहा था। ऐसे में प्रकाशक ने पुस्तक के नाम से डेम्ड शब्द को हटाकर द गॉड पार्टिकल रख दिया। हालांकि इस नाम के पीछे कोई तर्क नहीं छिपा था, बस ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है। वही किताब पब्लिश होने के बाद मीडिया ने इस नाम को काफी लोकप्रिय कर दिया। ऐसे में हिग्स बोसोन की जगह उसे लोग गॉड पार्टिकल के नाम से जानने लगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।